Hello everyone, I hope you liked the last video and you are always sharing the videos with everyone so that everyone will get all the things whatever I am sharing with all of you. Thank you with so much of love and respect. Thank you for watching all the videos always. Now today's topic is related to mobile usage. Everyone of us are using mobiles. And everyone of us like to use mobile. Yes, सबको mobile पसंद है और सारे ही mobile use भी करते हैं. Even बच्चों को तक mobile पसंद है. Yes, हमसे भी ज़्यादा बच्चों को mobile पसंद है. But एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि mobile का use जो बच्चे करते हैं, क्या उनको वो चीज़ पता है कि कितना use करना चाहिए कितना नहीं? नहीं, उनको नहीं पता है. और उनको habit किसने डाली है? हमने. तो उस चीज़ को रोकना चाहिए. इट शुड बी अंडर द कंट्रोल. एज पर मी द किड्स शुड नॉट बी हैविंग एनी काइंड ऑफ मोबाइल. देर इज़ नो नीड एक्चुअली. उनको ज़रूरत ही नहीं है मोबाइल फ़ोन्स की. नाउ व्हाट विल हैपन इफ़ यू आर गिविंग देम मोबाइल. ऐसा क्या होता है मोबाइल से जो उनको नहीं यूज़ करना चाहिए मोबाइल? एवरी वन ऑफ अस नो मैनी इंटरनेट साइट्स आर देयर दैट दे शुड नॉट सी एंड मैनी अदर थिंग्स. लेकिन कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उनको पर्सनली भी इफ़ेक्ट करती हैं. लाइक लेट अस सी द पॉइंट्स. फर्स्ट पॉइंट, लेस. दे शुड यूज़ लेसर एंड लेसर मोबाइल फ़ोन और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम. आई विल से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम बच्चों से एक्चुअली दूर ही रखनी चाहिए, जो कि हमारे आसपास आज की डेट में सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, पर हमें बच्चों से वो चीज़ें शेयर नहीं करनी चाहिए. Why? There are different points under it. Let us see. Play outdoor game. Always children should play outdoor. हम भी अपने childhood में बाहर ही खेले हैं mostly. हमने कोई electronic item से या कभी भी ऐसे कुछ नहीं खेला. हाँ, थोड़ा बहुत खेला है, but like nowadays, the students or children are playing, that is a very wrong thing to do. अभी सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक आ गया उनकी लाइफ में, बाकी सब कुछ चला गया है. कोई भी रिलेशन, किसी भी टाइप का इमोशन, सब कुछ चला गया उनकी लाइफ से, जो कि नहीं होना चाहिए. हम ह्यूमन बीइंग्स हैं तो हमें उसी तरीके से नेचुरल प्रोसेस में रिएक्ट करना चाहिए. और इसीलिए आउटडोर गेम्स बहुत ज़रूरी हैं. आउटडोर गेम्स हमारे माइंड के क्रिएटिविटी को इंक्रीज करती हैं, हमारे माइंड में जो ब्लड फ्लो होता है उसको इंक्रीज करती हैं. एंड दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्ले आउटडोर. नेक्स्ट पॉइंट, आइज एंड ब्रेन. आइज एंड ब्रेन, ऑब्वियसली दिस इज़ वेरी कॉमन थिंग. डॉक्टर्स ऑल्सो यूज टू टेल अस कि मोबाइल फ़ोन या टीवी ज़्यादा यूज़ करने से आइज़ और ब्रेन पे इफेक्ट होता है. आइज़ पे डायरेक्ट स्ट्रेस पड़ता है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन की जो डायरेक्ट रेज है या टीवी की डायरेक्ट रेज है, वो आइज़ को स्ट्रेन देती हैं, स्ट्रेस देती हैं. एंड नेक्स्ट इज़ ब्रेन. ब्रेन पे कैसे इफ़ेक्ट होता है? जो कि आपकी आइज़ से, ईयर से कनेक्टेड है, अगर आप उसको ज़्यादा देखते हैं, रेगुलर देखते हैं, तो आपका ब्रेन उसी डायरेक्शन में वर्क करना शुरू हो जाता है. और उससे क्या होता है, जो नर्वस सिस्टम है आपका, उसकी नर्व स्लोली एंड स्लोली ब्लॉक होने लग जाती है, क्योंकि आप सिर्फ उसको ही कंटिन्यूसली देखते जा रहे हैं, ब्रेन आपका उसी में वर्क कर रहा है. इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, ऑलवेज रिमेंबर, दे विल मेक अस प्रैक्टिकल. जितना आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का यूज़ करेंगे, उतना हमारी प्रैक्टिकलिटी बढ़ती जाएगी. हमारा जो बिहेवियर है वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम जैसा ही होता जाएगा. सो वी शुड नॉट यूज़ दैट. नेक्स्ट इज इरिटेशन. लाइक आई टोल्ड यू, ब्रेन विल वर्क मोर. व्हेन द ब्रेन वर्क्स मोर, देन व्हाट विल हैपन, वी गेट मोर एंड मोर इरिटेटेड. क्यों ऐसा होता है? कई बार आपने नोट भी किया होगा, खुद ने भी, अगर हम ज़्यादा काम कर लेते हैं तो क्या होता है, ब्रेन पे हमने ज़्यादा स्ट्रेस लिया है तो हमें इरिटेशन होने लग जाती है, क्योंकि हमारा माइंड थक चुका होता है. फिजिकली वी आर नॉट टायर्ड, बट मेंटली वी गेट टायर्ड. एंड दैट इज़ द रीज़न व्हेन वी यूज़ मोबाइल और टीवी, वी गेट टायर्ड ईजिली. तो उससे क्या बढ़ेगा, इरिटेशन लेवल बढ़ेगा, जो कि छोटे बच्चों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है. जितना ज़्यादा इरिटेशन होगी, उतना ज़्यादा वो दूसरी चीज़ों में, लाइक स्टडीज़ में या किसी और एक्टिविटी में, कम इंडल्ज हो पाएंगे, कम पार्टिसिपेट करेंगे. और उससे क्या होगा, उनकी जो दूसरी क्रिएटिव स्किल्स हैं या इमोशंस हैं, वो कम हो जाएंगे. सो बेटर नॉट टू वॉच टीवी एंड मोबाइल फोन्स. नेक्स्ट पॉइंट इज़
अलोन। अभी आपने बच्चों को मोबाइल दे दिया, आप शायद कुछ और करने लग गए। बच्चे को क्या लगेगा कि मेरे को मम्मी या पापा ने अकेला छोड़ दिया। उससे क्या होगा, उसको अकेले वाली फीलिंग आएगी, अलोन फीलिंग आएगी। लाइक आई टोल्ड इन अदर वीडियोज बिफोर, अगर बच्चे को अलोन लगता है, अकेलापन लगता है, तो वो कहीं ना कहीं बाहर जाएगा या किसी न किसी से बाहर बात करेगा, एंड देयर विल बी अ नेगेटिव इफेक्ट मे बी ऑन द बिहेवियर और मे बी ऑन द लाइफ ऑफ दैट चाइल्ड। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। बेटर आप ही उसको अपने पास रखें, मोबाइल उसको ना दें, बजाय कि उसको मोबाइल देने के अपना टाइम दें, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियोज़ में भी बताया था। नेक्स्ट पॉइंट इज मोर प्रैक्टिकल। द चाइल्ड बिकम्स मोर प्रैक्टिकल डे बाय डे। लाइक आई टोल्ड यू, मोबाइल फोन्स और टीवी, जितना इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हम अपनी लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, और स्पेशली मोबाइल और टीवी, जो कि पूरा हमें ब्रेन से और आइज से थका देता है, पूरा मेंटली उसके अंदर हम चले जाते हैं। सो व्हाट विल हैपन, उतना ज़्यादा हम प्रैक्टिकल होते जाते हैं, इमोशंस हमारे कम होते जाते हैं, बिकॉज ब्रेन इज वर्किंग मोर देन द हार्ट, एंड दैट्स व्हाई वी आर नॉट एबल टू थिंक एज पर आवर इमोशंस। तो वो चीज़ बहुत ही गलत है, और ऑल ऑफ अस नो एज पर सोसाइटी इमोशंस शुड बी देयर इन अस। इसीलिए आजकल की जनरेशन में इमोशंस कम है एज कम्पेयर टू आर जनरेशन। अगर आप खुद नोटिस करें तो ये चीज़ आपको ज़्यादा पता चलेगी। सो बेटर टू पुट इमोशंस इन देम, उनको इमोशनली प्यार, केयर, अंडरस्टैंडिंग, हेल्पफुल बिहेवियर, दैट वी हैव टू टीच टू देम रेदर देन प्रैक्टिकल लाइफ। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज मूव अवे। अभी वेन यू आर गिविंग अ चाइल्ड अ मोबाइल फोन, वो क्या होगा, धीरे धीरे मोबाइल के अंदर ही लगा रहेगा। देन यू विल बी हैविंग अ प्रॉब्लम, आपको प्रॉब्लम होती है कि अब मोबाइल ही यूज़ करते रहते हैं, चाइल्ड टीवी देखते रहते हैं। क्यों? क्योंकि आपने उसको हैबिट डाली है इस चीज़ की। वो धीरे धीरे क्या होता है, वो आपसे दूर जाता रहता है, वो सिर्फ एक ही चीज़ का यूज़ कर रहा है। हम सब किसी न चीज़ पे इंटरडिपेंडेंट है। हम जल्दी से, ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जल्दी से हम किसी भी चीज़ पर डिपेंड हो जाते हैं। एंड हेयर द चिल्ड्रन, बिकॉज यू आर गिविंग द मोबाइल, तो चिल्ड्रन क्या कर रहे हैं, चिल्ड्रन ईजिली मोबाइल फोन्स या टीवी पे डिपेंड हो रहे हैं, लैपटॉप्स पे डिपेंड हो रहे हैं। वो चीज़ हमें नहीं करनी है। हमें इवन अपने ऊपर भी उनको डिपेंड नहीं करना है, हमें हर किसी को इंडिपेंडेंट बनाना है, एंड दैट्स वाई दिस इज़ अ वेरी बैड थिंग। क्लियर? नेक्स्ट, Not listen. Now, like I told you in other points also, more practical. They are feeling alone. Irritation is growing. Brain is working more. They are moving away of you. Same चीज not listen है। ये सब चीज़ों से क्या होगा, आपका बच्चा आपकी सुनेगा ही नहीं, क्योंकि उसके अंदर ये चीज़ें बढ़ गई हैं, प्रैक्टिकलिटी बढ़ गई है। तो उससे क्या होगा, रिस्पेक्ट चली जाएगी धीरे धीरे। वो दूर जा रहा है तो वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, आपके साथ रहना पसंद नहीं करेगा, आपके साथ टाइम स्पेंड करना पसंद नहीं करेगा, और इसी वजह से ही वो आपकी सुनेगा भी नहीं। आप कुछ भी उसको समझाएंगे वो नहीं समझेगा। तो इसीलिए मैनी अ टाइम्स आई हैव सीन पेरेंट्स आर द वन दोज हु आर मेकिंग देम अंडरस्टैंड दैट वॉट इज़ द यूज़ ऑफ मोबाइल, एंड पेरेंट्स आर द वन दोज हु आर मेकिंग दैम अंडरस्टैंड दैट वाई नॉट टू यूज़ मोबाइल। तो ये ध्यान रखिए आप कि अगर आप कुछ भी हैबिट चाइल्ड में डाल रहे हैं तो वो हैबिट अच्छी होनी चाहिए उसके फ्यूचर के लिए और आपके फ्यूचर के लिए। ऐसा ना हो आज आप अपने लिए उस हैबिट को उसके अंदर डाल दें लेकिन कल वो चेंज नहीं हो पाएगा। अंडरस्टूड? आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर वट आई एम टेलिंग यू। मुझे लगता है कि आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे। अगर कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ डू इट, इट इज़ वेरी गुड फॉर द सोसाइटी एंड द वर्ल्ड। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑलवेज, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। बाय बाय।